तो गाइस आप लोगों का फिर से स्वागत है राजन ब्लॉग चैनल पे। और ये मैं कहीं किसी हाईवे पे खड़ा हूँ और एक पेट्रोल पंप है मेरे पीछे इस तरफ, और गाड़ी आज यहाँ पे खड़ी है हमारे पास स्विफ्ट। तो आप लोगों को बता दूँ अभी जो टाइम है लगभग 1:30 बजे हैं, रात के 1:30 बजे हैं, और हम लोग दिल्ली से 100 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, जयपुर वाले हाईवे पर हैं। और ये जो ट्रिप मेरा होने वाला है ना, इसके बारे में अभी बताता हूँ आपको। पहले अपने इस ट्रिप के साथ जो मेरे जा रहे हैं, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं आपस में, लगभग 1.25 साल से आपस में जानते हैं, बट ये पहली बार एक ट्रिप हमारा साथ में हो रहा है। तो देख लीजिए, मिलिए, इधर आओ यार, लाइट में आओ, हम उल्टा जाएंगे ना फिर। ये गाइस नमस्कार, ये हैं हमारे पुनीत भाई। आप लोगों में से जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरी पोस्ट को बार बार एक अच्छे बड़े पेज से बार बार रीपोस्ट या फीचर किया जाता है। तो वो इनका पेज है, जो पेज का नाम है केदारनाथ जी। तो हमारा जो केदारनाथ धाम है वहाँ से हमारे साथ ये जुड़े हैं एक तरह से, और हमारे इंडिया के जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग में से 7 ये कर चुके हैं। और केदारनाथ धाम के बहुत बड़े भोले बाबा के हमारे बहुत बड़े ये भक्त हैं। और आज ये जो ट्रिप है हमारा उसी से मिलता जुलता है जो ज्योतिर्लिंग ये कर चुके हैं। तो उससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो पुनीत जी एक बार थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताओ, पूरा नाम बता दो। अच्छा, अपना मेरा नाम पुनीत तोमर है, बाकी इंस्टाग्राम पे मुसाफिर आदमी। हाँ, इनकी जो मेन आईडी है वो उनका है मुसाफिर आदमी के नाम से, इनके अपना अकाउंट है। और वैसे केदारनाथ जी पेज के ये खुद एडमिन है। बाकी तो हमारा यही रहता है कि हम रोज लाइव दर्शन कराते हैं केदारनाथ के, पैंडेमिक सिचुएशन में जब वी आर नॉट अलाउड टू गो टू केदारनाथ। फिलहाल के लिए लाइव दर्शन ये डेली करा रहे हैं केदारनाथ जी पेज से। तो मैं आईडी मेंशन कर रहा हूँ वैसे स्क्रीन पे, आप लोग देखिएगा, फॉलो कीजिए इनको। बहुत सारे ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं उस धाम के, तो उसके हिसाब से इनको भी लोग फॉलो करते हैं। तो हमारी राजन भैया ही हैं, और एक गर्व की बात है कि इनके साथ। अरे ये बड़प्पन है इनका कि मुझे इतना बड़ा ये मान रहे हैं। तो चलो, बाकी ये है कि गाइस मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग हमारा जो ट्रिप है ये काफ़ी लंबा ट्रिप होने वाला है, मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे लंबा ट्रिप है। अभी लास्ट हम लोग गए थे लद्दाख, तो लद्दाख की वीडियोस आप लोगों ने बहुत पसंद की, फैमिली के साथ था पूरा ट्रिप, तो सभी ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया उन वीडियोस को प्यार देने के लिए। बाकी ये पुनीत भाई की गाड़ी है, स्विफ्ट डीजल है, और लगभग 4-4.5 साल पुरानी गाड़ी है। तो इससे हमारा ये पूरा ट्रिप होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं आज गुजरात के लिए। तो गाइस हमारा जो प्लान है, पहले हम लोग जाने वाले हैं दीव, और फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, सोमनाथ भी जाएंगे, और फिर वहाँ से द्वारका भी जाएंगे। ये तो पूरा हमारा ट्रिप रहेगा। तो ये इससे जुड़ी हुई सारी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी राजन व्लॉग चैनल पे, तो जुड़े रहिए। बाकी अब चलते हैं आगे, अभी रात का टाइम है, डीजल हमने फुल कराया, अभी कहीं रुकेंगे चाय के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं, दोबारा मिलते हैं आपसे, ठीक है। हमारी डेस्टिनेशन गाइस अभी दिखा रहा है 1016 किलोमीटर और 18 घंटे 57 मिनट का टाइम, और हम लोग हैं अभी अजमेर बाईपास पे। जयपुर क्रॉस करके हम लोग अजमेर की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, और ये टोल है अभी सामने, और अभी जो है पुनीत भाई ड्राइव कर रहे हैं। अंधेरा हो रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिखाई देगा कि नहीं, अभी थोड़ा दिखाई देगा देखो, क्योंकि टोल बूथ पे हम लोग। तो अभी हम लोग रुकेंगे कहीं चाय के लिए, हो गया। हाँ ये देखो जी, हमारा टोल जो है क्लियर हो गया, चाय के लिए रुकते हैं कहीं पर, चाय पियेंगे। टाइम है अभी हमारी घड़ी में 4:10 सुबह के,
तो रात को निकलने का प्लान गाइज ये भी था कि हम दोनों, खैर बॉयज बॉयज मेंस मेंस वाली बात थी, तो कोई ऐसी सेफ्टी वाला इशू था नहीं, इसलिए हम लोग रात को निकल गए। क्यों? बिल्कुल। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, काफ़ी लोग आप ये कमेंट्स शायद आप लोग करेंगे कि मैं फैमिली के साथ क्यों नहीं आया इस ट्रिप पे, तो ऐसा है गाइज़ कि हर बार जो हर ट्रिप है वो फैमिली के साथ तो पॉसिबल है नहीं, आप लोग भी समझते हैं, और जो दृष्टि है हमारी उसकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, तो देखेंगे इसके बाद दूसरा कोई ट्रिप प्लान करेंगे। अभी ये वाला जो प्लान है हमारा, ये एक तरह से रिलीजियस टूर था पूरी तरह से, तो बच्चों को थोड़ा फैमिली को टाइम दिया कि आप लोग थोड़ा रेस्ट लो, अभी इतना लंबा हम लोग ट्रिप करके आए हैं जो हम लोग लद्दाख से होके आए हैं, तो इसलिए। और ये वाला प्लान हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था पुनीत भाई के साथ, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि चलो इस बार अकेला ही निकल जाते हैं यार, देखी जाएगी। चाय के लिए आ गया ढाबा, रुकते हैं, चाय पीते हैं, फिर बताते हैं आपको आगे की कहानी। रात का सफ़र है, क्यों जी? बिल्कुल। बाकी सब बढ़िया ना? एकदम मस्त, आनंद में। चलो ये देखो जरा इनकी गाड़ी में सेटअप देख रहे हो भाई साहब, भोले बाबा यहाँ पे विराजमान है साक्षात आदि योगी। ये योगी जी हैं। योगी जी? योगी मुख्यमंत्री जी। अच्छा। आनंद में है ना ये तो। ये भी सही है। चलो तो गाइस फर्स्ट टी ब्रेक हमारा हो चुका है सुबह के 4 बजे, और यहाँ पे टोटल जो हमने कुछ हमने चिप्स भी लिए हैं और कुछ बिस्किट लिए हैं, टोटल 90 रुपीज़ का बिल आया हमारा यहाँ पे, तो ये नोट कर लेना यार, फिर बार बार मत पूछना मुझसे। मतलब आप लोग एक डायरी बना लो एक्सपेंसेस की इस ट्रिप पे, तो 90 रुपीज़ का हम दोनों ने दो चाय पी, 20 रुपीज़ की चाय दी इन्होंने, चाय थोड़ी सी महंगी लगी, छोटी सी वो थी, छोटा सा ग्लास था चाय का, बट चाय महंगी लगी। खैर कोई नहीं, जैसा है तो जैसा है तो है। मैं ड्राइविंग सीट पे जा रहा हूँ अब, पुनीत भाई बैठेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने फ्यूल ब्रेक लिया था पहला वहाँ से यही ड्राइव कर रहे थे, लगभग 170 किलोमीटर के आसपास इन्होंने चला लिया, अब मैं चलाऊँगा, फिर दोबारा मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। चंगा जी चलिए। अभी क्या है ना, दिन निकल चुका है और टाइम हो गया है सुबह के, सुबह का जो टाइम है वो बता देता हूँ आपको मैं यार, टाइम हो रहा है 6:10 है अभी, 5:50 और रोशनी पूरी हो चुकी है, बट अभी सूरज नहीं निकला है। और हम लोगों ने डिस्टेंस यार पुनीत जी कितना कवर किया होगा अभी तक घर से हमने? लगभग 450, 450 के आसपास है। तो गई 450 किलोमीटर के आसपास हम लोग आ चुके हैं, और हम जो मिले थे 11:15 का टाइम था जब जिस टाइम पे हम लोग मिले थे, तो 11:15 से अभी ये 5:50 का टाइम है, तो हम कुछ इतना डिस्टेंस हमने कवर किया है, अजमेर क्रॉस कर दिया, ब्यावर अभी 30 किलोमीटर है यहाँ से, और जो हमारी लोकेशन है आज की वो यहाँ से हमारा जो गूगल मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है 881 किलोमीटर है, 16.5 घंटे का रास्ता है अभी लगभग, और सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हैं जो आप अभी देख रहे हैं रास्ते में, और ये हमारे पुनीत जी की गाड़ी में जो हमारे भोले बाबा हैं वो विराजमान हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे सामने बैठे हुए ना। बाकी मौसम तो यार ठीक ठाक लग रहा है अभी, बाकी धूप जब आ जाएगी ना तो शायद दिन में गर्मी थोड़ी बढ़ जाए। अब गर्मी से क्या घबराना जब हम लोगों ने गुजरात का ट्रिप शुरू किया है इन गर्मियों में। आप लोगों को मैंने गाइस क्या है कि इससे पहले वाले ट्रिप में लद्दाख दिखाया, मतलब गर्मियों में मैंने बर्फ़ दिखाई और पूरे अच्छे नज़ारे आप लोगों ने देखे होंगे पहाड़ के, हिमाचल के और लद्दाख के। अब की बार जो मैंने सोचा था कि आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा, और उसी के लिए ये ट्रिप जो गुजरात वाला है, जो अभी हम अपने भोले बाबा के दर्शन करेंगे पहले सोमनाथ जी के, उसके बाद और भी नागेश्वर धाम है वहाँ भी जाएंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे द्वारकाधीश। ठीक है, तो इस ट्रिप पे भी आप लोग ऐसा ही अपना प्यार दिखाइएगा, बने रहिएगा। यहाँ पे इसी तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला हुई शायद मेरे हिसाब से, ये हाईवे काफी अच्छा है।
तो टाइम अभी हुआ है 6:30 बजे और ये हमारा दूसरा टी ब्रेक है। चाय से क्या है ना कि नींद नहीं आती, और ये इस टाइप का ट्रिप ना गाइज मैं पहली बार ही कर रहा हूँ शायद, जब से व्लॉगिंग शुरू की है मैंने, क्योंकि बच्चों के साथ तो खैर जाना मतलब बनता नहीं है कि रात के टाइम कहीं के लिए निकला जाए। तो अभी पुनीत भाई के साथ आ रहा था तो इसीलिए सोचा कि क्यों ना चलो रात को ही करते हैं। बाकी ये है कि देखते हैं कि आज अगर कहीं लगेगा रुकने के लिए तो रुकेंगे, नहीं तो अपना सीधा आज दीव पहुँचेंगे रात तक। बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है, रास्ता खैर अच्छा है तो कार से दोनों लोग मिलजुल के चला ही लेंगे, पहुँच जाएंगे। चाय चुस्की, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय है यार, पत्ती पत्ती डाल दी है भाई साहब। ब्यावर क्रॉस किया अभी, ब्यावर से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आए हैं अभी, फिर इसी रोड पे अभी पाली है, पाली से फिर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, सीधा 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 बहुत दूर जाना है अभी, लगभग 800 किलोमीटर दूर गुजरात आएगा अभी, राजस्थान में हम। मज़ा, लंबा वाला ट्रिप है भाई साहब, इतनी दूर तो लद्दाख भी नहीं था। चलो चाय पी के मिलते हैं गाड़ी में दोबारा से। यहाँ से गाइस बाहर का नज़ारा देखिए आप लोग, प्लेन रास्तों पे चलने का भी खैर अलग मज़ा है, ग्रीन ग्रीन देखो पूरा खेत दिखाई दे रहे हैं साइडों से, और बादल का कलर आप देख ही रहे हो भाई साहब, गजब है। हाईवे बहुत शानदार है, पुनीत भाई ड्राइव कर रहे हैं अभी, मैं आ गया हूँ 7 वाली सीट पे। अभी तक ना गाइस रास्ता जो हमें मिला है बिल्कुल प्लेन है, कहीं पर भी ऐसा रोड नहीं मिला है कि हमें ख़राब रास्ता मिला हो थोड़ा सा भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस रास्ते पे चलने का हमें टोल भी बराबर देना पड़ रहा है, खैर इस रास्ते पे चल रहे हैं हम, तो लगभग हम 550 किलोमीटर चल चुके हैं और 550 रुपये के आसपास का हमने टोल दिया है। तो 1 रुपये पर किलोमीटर की एवरेज जो हमेशा मैंने आज तक कैलकुलेट की है, वो आप लोग अपनी बुक में लिख लेना, उसी वाली में जिसमें हिसाब लिख रहे हो। अभी हमने जो चाय पी थी लास्ट में, उस चाय का जो बिल आया था वो कितना था? 30 रुपये। हाँ, पुनीत भाई ने 2 चाय पी थी, मैंने 1 पी थी, तो 10 रुपये की एक चाय थी। यहाँ पर चाय थोड़ी स्ट्रांग थी बट रेट कम था पहले वाली चाय से, ठीक है ये भी लिख लेना, और बाद में हमें कमेंट में बता देना किसके कितने हुए। अच्छा हाँ, ये भी बता देना यार, आप लोगों की तरफ से पता लगे तो अच्छा रहेगा। बाकी वीडियो यार देखते रहना, एंड तक देखना, मजा आएगा। इस ट्रिप में मैं रिलीजियस प्लेसेस कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, लद्दाख तो देख ही लिया आपने, ठीक है। बाकी अभी तक सब बढ़िया है, मौसम धूप आ गई है, हल्की हल्की धूप आ रही है, नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं आपके सम्मुख, देखो और एंजॉय करो। इधर से भी देख लो, चश्मा तोड़े वीर ने ला लिता है, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और जी पुनीत भाई ने भी लगा लिया चश्मा, तो किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है? इनका ज्यादा अच्छा लग रहा है, इनके फेस पे सूट करता है चश्मा इनके ऊपर ना। नहीं नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, देखो मेरा वोट आपके लिए है। तो मेरा आपके लिए, आपके लिए मेरा बराबर हो गया, यहाँ तो टाई हो गया गाइस, आप लोग ही बताइए अब तो। चलो जी चलो, थोड़ा वीरान वीरान सा रेगिस्तान है, कहीं कहीं पे खेती हो रही है, कहीं पे बिल्कुल सुनसान है, कीकर के पेड़। हाँ ये कीकर ज़्यादा होता है राजस्थान में ना। अभी हमारी जो डेस्टिनेशन आज की है वो आ गई है यहाँ पे 795 किलोमीटर 15 घंटे 18 मिनट का समय है, तो अंडर 800 तो अभी जो है हम 800 किलोमीटर के अंदर अंदर आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक हमें हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो 800 से ज़्यादा आ रही थी, अब 795 आ गई है। यही है पाली, यहाँ से 60 किलोमीटर्स है, सिरोही 170 एंड सुमेरपुर है 133, और अभी शायद हम लगभग 250 या 300 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद हम लोग गुजरात बॉर्डर में एंटर करेंगे, अभी राजस्थान चल रहा है। चलो अभी तक का अपडेट है, उसके बाद दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर में।
अभी क्या है गाइस, हमारा आज का ब्रेकफास्ट जो है आ चुका है, और ब्रेकफास्ट में देखो हमने क्या मंगाया, मैं आपको बता दूं, पहले दूर से बता देता हूं फिर पास से दिखाऊंगा। एक तो हमने मंगाई है सांभर और इडली, एक हमने मंगाया है यहाँ का, ये पोहा कहते हैं इसको, बटाका पोहा, बटाका यही है ना, बटाका, बटका, बटका पोहा सॉरी और मंगाइए साथ में दो लस्सी। अब इसको पास से देखो आप, देखो ये तो है हमारा इडली और सांभर, साथ में इसके ये नारियल की चटनी है, और ये है बटका पोहा, और ये लस्सी है। तो इन सब का प्राइस आपको एक बार बता दूं, 40 रुपीज़ की हमारी इडली और सांभर है, और 40 रुपये का ही ये है हमारा जो बटका पोहा है, और लस्सी का क्या प्राइस है? 50 रुपये की एक लस्सी है। तो ये उसी डायरी में नोट कर लेना जिसमें अभी तक का हिसाब आप लोग लिख रहे हो, और आधा आधा भी आप ही कर लेना। हाँ ठीक है, आधा आधा भी कर देना। तो बाकी ये अब खाते हैं यहाँ से, फिर निकलेंगे आगे। रास्ता क्या है ना गाइस, बोरिंग लग रहा है क्योंकि मुझे आदत नहीं, एक्चुअल में मैं इस रूट पे पहली बार आ रहा हूँ, मुझे आदत है पहाड़ों में जाने की, अभी तक आप लोगों ने देखा ही है, पहाड़ के ब्लॉग्स ही देखे हैं मेरे, तो वहाँ पे क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं बार बार, तो वो भी आप लोगों को दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। अभी मैंने बीच में अभी आधा एक घंटा जब हमारे पुनीत जी ड्राइव कर रहे थे तो मैंने पावर नैप ले लिया था, अब मेरी बारी है ड्राइव करने की। तो चलो फिर मिलते हैं आगे, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आगे, ठीक है? चलिए गाइज, आप जो ये साथ में देख रहे हैं ना नज़ारे, ये नज़ारे हैं सिरोही राजस्थान के, और ये हमारे सामने से भी शुरू हो रही है एक टनल। तो पहाड़ों वाला जो एहसास है ना पूरा, आपको इस रूट पे भी करवा रहा हूँ मैं। अभी हम लोग ये सिरोही क्रॉस कर रहे हैं और ये टनल आ गई है सामने, देखो। अब ये देखना है कि कितनी बड़ी है, यहाँ पर लिखा कुछ नहीं है, अंदर जा रहे हैं, लाइट लगी हुई है वैसे तो, छोटी दिख रही है गाइस आगे से रोशनी क्योंकि दिखाई दे रही है। देख लो जी राजस्थान के टनल भी देखो। गाइस ये रास्ता देख रहे हो आप लोग, बेहतरीन लग रहा है यार, बिल्कुल ऐसा पहाड़ों वाली फील दे रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे भी चलाते हुए गाड़ी। देखो राजस्थान के पहाड़ कुछ अलग हैं, डिफरेंट तरीके के पहाड़ हैं यहाँ पे ना, ग्रीनरी है पर ऐसे स्पॉटेड है, देखो सब जगह ऐसा लग रहा है स्पॉटेड पेड़ हैं, सब स्पॉट किए गए हैं पूरे पहाड़ों पे, मज़ा आ रहा है पर यहाँ पे भी ना। कुछ अलग नज़ारा था इसलिए आप लोगों को मैंने सोचा कि दिखाऊँ, दिखाना बनता है। गाइज अभी क्या है ना, हम लोगों ने गुजरात के बॉर्डर में एंटर किया, और एंटर करने के बाद आप लोगों को क्या बताऊं कि क्या हुआ। सबसे पहले तो एक चेक पोस्ट है यहाँ पे ना, जैसे पालनपुर से पहले की बात है, तो उस चेक पोस्ट पे पुलिस वालों ने आके तुरंत गाड़ी को रोका, दिल्ली नंबर गाड़ी देख के, और रोकने के बाद बोला कि आप दोनों बाहर आ जाओ। हमें लगा पता नहीं क्या हुआ भाई, एकदम से क्यों रोक लिया, हमें समझ नहीं आया पहले तो, फिर दोनों बाहर आ गए, फिर उन्होंने भैया पूरी गाड़ी की जो तलाशी ली है, मतलब क्या क्या बताऊँ, क्या क्या खोल के नहीं देखा, हमारे बैग, उसके अंदर टॉयलेटरी, अगर मेरा बैग है छोटा बैग है टॉयलेटरी बैग, उसको भी खोल के देखा, कैमरा बैग, ड्रोन बैग, सब कुछ खोल के देखा, ये गाड़ी का डैशबोर्ड ये भी खोल के देखा, यहाँ सब कुछ सीटों के नीचे, और तो और सबसे ज़्यादा उन्होंने गाड़ी का बोनट खुलवा लिया भाई साहब, बोनट, जब कहीं पूरी गाड़ी में कुछ नहीं मिला, डिक्की विक्की में सब जगह किसी बैग में, तो बोनट खुलवा लिया। तो लास्ट में हमने भी पूछ लिया उनसे कि सर ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसी क्यों चेकिंग कर रहे हो, हम आतंकवादी लग रहे हैं क्या? उन्होंने बताया भाई साहब आप लोग गुजरात में आ चुके हो और गुजरात ड्राई स्टेट है। तो जी ये हुआ हमारे साथ गुजरात पहुंच के, हमें भी नहीं पता था, खैर मैं तो खैर पहली बार बाय रोड गुजरात आया हूँ, गुजरात में पहली बार ही आया हूँ खैर, तो ये कुछ ऐसा इंसिडेंस आज पता लगा कि गुजरात में अंदर अगर एंट्री करते हैं तो इस तरह से चेकिंग होती है, मतलब हमारे साथ कभी हुआ नहीं ऐसा। इनके साथ हुआ था एक बार, 26 जनवरी की परेड में गए थे दिल्ली में, वहाँ तो यार जाए जब समझ में आता है, पर यहाँ गुजरात हम क्या बम लेके आए हैं, हमारे 4-5 पुलिस वाले थे। हाँ सभी लोगों ने भाई सब चारों तरफ से गाड़ी एक एक गेट खोल खोल के, अब इधर से देखें उधर से देखें क्या देख रहे हैं भाई सब, खोल के वॉलेट तक खोल खोल के देखे उन्होंने हमारे, ऐसा है जी गुजरात, इसलिए कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।
तो कुल मिला के ड्राई स्टेट के हिसाब से चेकिंग थी। तो ऐसे हम तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हैं और वैसे हम इस तरह की बातों में हम पढ़ते नहीं है कभी, आप लोगों को पता है जैसे। तो कुछ नहीं मिला उनको हमारे पास, तो हम नॉर्मली जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया रहा। मौसम साथ दे रहा है थोड़ा थोड़ा, धूप नहीं है। और आपको सच बताऊं तो गर्मी जो है ना दिल्ली से कम फील हो रही है। अभी हम लोगों ने बायो ब्रेक लिया था, बाहर उतरे थे 2 मिनट के लिए, तो गर्मी वो वाला हिसाब नहीं लगा जो दिल्ली में है। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी में बैठ के बोल रहा हूँ। बाकी हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो अभी भी 500 किलोमीटर के आसपास है, जिसका टाइम हमें दिखा रहा है 11:30 बजे पहुँचने का, ठीक है। और आगे की अपडेट अब आगे मिलेगी। भूख लग गई है, ब्रेकफास्ट किया था सुबह, अब हम करेंगे लंच, क्यों जी? बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं फिर लंच में, मिलेंगे आपसे दोबारा। फेफड़ा फेंक के मारेंगे, खाकड़ा फाफड़ा ढोकला फेफड़ा सब ये सब मिलने वाला है, गुजरात में आ गए हैं। केम छो मजा मचो, चलो हम तो मजा मच हैं अभी भी, अभी आएगा धीरे धीरे, लोगों से मिलेंगे बात करेंगे, पता लगेगा गुजराती कैसे बोलते हैं। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे गुजरात से, तो सभी को केम छो हम मजा मच हैं इतना ही आता है भाई मुझे अभी। तो अभी गैस क्या है कि हम लोग रुके हैं आज दोपहर के अपने लंच के लिए, काफ़ी लेट हो गए। वही है कि कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही थी कहीं पे, कहाँ पे रुकें, कैसे खाएं, क्या खाएं, ये सोच रहे थे। फिर एक जगह मिली भी तो वो साउथ इंडियन फूड था वहाँ पे, और साउथ इंडियन गुजराती ये सब चाइनीज़ आइटम थे, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आया। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, ये जगह है बगोदरा, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक दाल, एक मलाई कोफ्ता और तवा रोटी। तो खाना गाइस क्या है कि अभी तक गुजरात का जो हम लोग देख रहे हैं तो खाना अच्छा ही मिला है अभी, और खाना यहाँ पे सस्ता भी है बाकी और अदर स्टेट्स के मुकाबले। दाल का जैसे प्राइस आपको बताऊँ तो 70 रुपये का प्राइस है, और रोटी जो है चपाती 8 रुपये की है, तवा रोटी। आता है खाना खाते हैं, थकावट काफ़ी हो चुकी है क्योंकि लगभग 16 घंटे हो चुके हैं घर से चले हुए, और 1050 से ज़्यादा किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और अभी भी 300 किलोमीटर के आसपास आगे और जाना है दीव के लिए। और टाइम हमें जो दिखा रहा है लगभग 7 घंटे का और है अभी, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। रात को 11 बज जाएंगे शायद पहुंचने में, बाकी सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। चलो खाना खाते हैं फिर, हालत ख़राब हो रही है, रास्ता पूरा बोरिंग बोरिंग है यार, रास्ता क्या दिखाऊँ आपको बार बार, मज़ा ही नहीं आता, खुद ही बोर लग रहा है, आपको क्या बोर करूँ। ये देखो ये कुछ हमारा ढाबा है जहाँ बैठे हैं। तो ऐसा है देवी और सज्जनों, हमारा जो ट्रिप है, इस ट्रिप के हम लोगों ने कर लिए हैं ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर पूरे, जिसमें कि ज़्यादा गाड़ी हमारे पुनीत भाई ने चलाई है क्योंकि मेरी कमर में दर्द महसूस हो रहा था मुझे, और थोड़ा ये है कि गाड़ी इनकी है तो इनको थोड़ा आदत भी है अपनी गाड़ी को चलाने की, मैंने अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से बनाया हुआ है कि लॉन्ग ड्राइव अगर करनी है तो। बाकी अभी तक कुल मिला के ये है कि लंच हमने किया अभी, आपने देखा जो लगभग 5:30 बजे हमने लंच किया अभी, और लंच का हमारा टोटल जो बिल आया वो आया 304 रुपये का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक दाल ऑर्डर की थी, एक मलाई कोफ्ता, एक हमने रायता ऑर्डर किया था, और हमने रोटी खाई 7 और 2 चाय हमने पी, ठीक है जी। ये हमारा बिल रहा आज का। बाकी रास्ता देखो एक बार, शाम हो गई है, इधर का नज़ारा देखो जरा, दिखाओ जरा यार पुनीत भाई, शाम का नज़ारा गुजरात का, बादल देख रहे हो भाई साहब ऊपर, मतलब नज़ारे यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं आपको, गुजरात के नज़ारे देख रहे हो आप राजन ब्लॉग चैनल पे। सामने हमारे बस चल रही है गुजरात की, और इधर देखो ये पूरा बीहड़ बियाबान पड़ा है कुछ। बस ये है यार कि आप लोग ना बोर महसूस मत करना इस वीडियो में, कोशिश तो है हमारी तरफ से पूरी कि भाई आपको ये कॉन्टेंट पसंद आए, क्योंकि ये वाला टूर जो है, ये ट्रिप है, ये आप लोगों ने पहले देखा नहीं है मेरे चैनल पर, और मैं आप लोगों को समुद्र दिखाने वाला हूँ अब की बार, जो कि अभी तक मैंने अपने किसी भी ब्लॉग में नहीं दिखाया आप लोगों को, तो कुछ नया है देखने को मिला है। और हर बार नहीं होता कि फैमिली के साथ ही ट्रिप किया जाए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉसिबल नहीं होता है। बाकी बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, गाड़ी चला रहा हूँ, चलाते चलाते ज़्यादा बात नहीं करते हैं, माहौल बहुत ज़बरदस्त हो रहा है भाई साहब।
गाइस रात के बजे हैं 12:30 और हम लोग पहुंच गए दीव। दीव आइलैंड पे हैं हम, अभी होटल अपने जा रहे हैं। तो होटल से पहले जो ज़बरदस्त नज़ारा दिखा हमें हवा के साथ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। यार मेहनत जो है रंग लाई है, यहाँ तक पहुँच गए हैं भोले बाबा की कृपा से। ये देखो इधर पूरा समुंदर है, वैसे तो रात हो रही है आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं। ये सब बोट्स हैं यहाँ पे, देखो इधर भी ना बोट हैं। अब इस टाइम तो वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको कि हम लोग पहुँचे हैं, पानी है पूरा, ये देखो पूरा पानी है यहाँ पे, अंधेरा है वैसे कुछ नहीं दिखेगा आपको। एक अलग सी स्मेल है समुद्र वाली, बट ये है कि मज़ा आ गया यार। एक अलग सा एहसास हो रहा है कि भैया दिल्ली से गाड़ी चला के सी बीच पे हम लोग पहुँच गए हैं आज, ऐसा लग रहा है। दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी दूर दूर तक, पूरा समुद्र है यहाँ से ना। ऐसे हवा चल रही है, वैसे हवा ठंडी है यार, दिल्ली में इस टाइम भी ऐसी हवा नहीं मिलती। मज़ा आ गया कुल मिला के यार। कल दिखाएंगे दिन में समुद्र आपको, समुद्री समुद्र दिखाएंगे। अभी बहुत करीब आए हैं, दिन भर क्या था ना आज पूरा दिन हम लोगों को बोर लगा यार, इतना लंबा रास्ता। क्यों पुनीत जी, 24 घंटे पूरे हमें लगभग हो चुके हैं अभी यहाँ पहुँचे हैं हम, और यहाँ खड़े होने का ना मतलब क्या बोलूँ यार, सेटिस्फेक्शन है क्या। 1400 किलोमीटर, अच्छा, और जो लास्ट के 600 किलोमीटर थे वो तो रोड पूरा ख़राब था यार। हमने लगभग 1400 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय किया इस पूरे ट्रिप में, और 24 घंटे में, और लास्ट के जो 500-600 किलोमीटर थे रास्ता ऐसे ही था, कच्चा पक्का, उसी में ज़्यादा टाइम लगा। आह मज़ा आ गया। चलो तो गाइज ऐसा करते हैं, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ वीडियो को। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया हो तो लाइक कर देना, बाकी देख लेना, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी कहूँ वीडियो में, कुछ भी कहूँ, आप लोग जब तक मुझसे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बाकी सब ठीक है, ऊपर वाली कृपा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। बाकी आगे का जो ट्रिप की वीडियो रहेंगी वो आपको आने वाले एक दो दिन में बाकी सब देखने को मिलता रहेगा, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। दीव भी थोड़ा बहुत कल घूमेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या है दीव में। अब हमें यहाँ तक आने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है तो आप लोगों को दिखाना तो बनता है यार। एक लाइट देख के, स्ट्रीट लाइट देख के वहाँ रुक के व्लॉग कर रहा हूँ। चलो मज़ा आ रहा है पर। बाय बाय, गुड नाइट पुनीत भाई।